स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू इन स्टैंडर्ड 6. सो इन लास्ट वीडियो आई एक्सप्लेन यू दिस चैप्टर विच नेम इज़ द वर्ब. सो अगो वी हैव लर्नड अबाउट ट्रांजिटिव वर्ब एंड एज वेल एज इंट्रांजिटिव वर्ब. तो आपको पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे बोलते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट नेसेसरली होता है, एंड इंट्रांजिटिव उसे बोलते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की कोई नीड नहीं होती, बिना ऑब्जेक्ट के ही वो अपने में कंप्लीट होता है सेंटेंस. सो टुडे वी विल सी द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स बिगिन. ये वाली हम बाद में देखते हैं, बुक में लिखा हुआ है नोटबुक में, पहले ये वाली फटाफट देख लेते हैं. सो सी एक्सरसाइज नंबर 2. पिक आउट द वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से वेदर दे आर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और इनकम्प्लीट वर्ब्स. सो हियर आर गिवन दिस सेंटेंसेस एंड वी हैव टू फाइंड आउट वेदर दे आर ट्रांजिटिव, इनकम्प्लीट और इंट्रांजिटिव. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट, द हंटर वेंट टू द फॉरेस्ट. इंट्रांजिटिव है. देयर इज नो वॉटर इन द फ्लेस्क. सो हियर देयर इज नो वॉटर इन द फ्लेक्स. इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट जैसा लग रहा है, दैट इज वाई इट इज इनकम्प्लीट. माई मदर ब्रॉट सम फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट. यहाँ पे मार्केट आया, ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव. द मैन रिटर्न्ड इमीडिएटली. इमीडिएटली ये, इसलिए ये इंट्रांजिटिव है, ठीक है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ. द पीपल लुक्ड हैप्पी. हैप्पी दिख रहे हैं, सिर्फ एडजेक्टिव दिया हुआ है, दैट इज इसलिए, मतलब इसमें ना ही अच्छे से कोई ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये इनकम्प्लीट है. द कार्ट कैरीड हैवी लोड. हैवी लोड इंट्रांजिटिव है. एरोप्लेन्स फ्लाई एट अ ग्रेट स्पीड. इंट्रांजिटिव. इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ कि एरोप्लेन्स फ्लाई इन द स्काई. अगर इन द स्काई दिया हुआ होता ऑब्जेक्ट तो बनता ट्रांजिटिव, लेकिन इसमें सिर्फ हाई स्पीड में उड़ते हैं, ग्रेट स्पीड में, तो इंट्रांजिटिव बन जाएगा. द वुमन लाफ्ड लाउडली. ठीक है, एडवर्ब दिया हुआ है सिर्फ, लाउडली, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है. जिसमें एडवर्ब और एडजेक्टिव ऐसे आए ना पीछे, तो समझ लेना वो इंट्रांजिटिव वाला है, ठीक है. जिसमें ऑब्जेक्ट है उसमें समझ लेना कि ट्रांजिटिव वाला है. तो यहाँ पे देखिए, लाफ्ट लाउडली क्या है, एडवर्ब है, ठीक है. इसमें ऐसा नहीं है द वुमन लाफ्ड इन द होटल. अगर ऐसे होटल या रूम या कुछ भी दिया हुआ होता ऑब्जेक्ट तो वो ट्रांजिटिव बनता, लेकिन इसमें सिर्फ एडवर्ब है इसलिए ये इंट्रांजिटिव है. नाउ सी 9 नंबर. द स्काई अपियर्स लवली एट सनराइज. इनकम्प्लीट है, अपियर्स आया इसमें, ठीक है. अभी इनकम्प्लीट में आपने आगे सीखा था कि अपियर्स, लुक्स, ये सारे वर्ड आएंगे ना, इज, ये सारे वर्ड आएंगे, उसमें क्या होगा इनकम्प्लीट वाला सेंटेंस है, हमको ऐसे पहचानना है, ठीक है. तो ये जैसे थोड़ा सा, मतलब आपको ये रूल याद रखना है. यहाँ पे इनकम्प्लीट में इनका लिखा हुआ है, इज एम आर वॉज वेयर अपियर सीम लुक, इतने सारे वर्ड्स आए ना जिसमें, देखो जैसे उसमें ऊपर आया था इज तो इनकम्प्लीट आया, फिर यहाँ पे देखिए नीचे अपियर्स आया तो इनकम्प्लीट है. नाउ सी द कैट म्यूज. ठीक है, म्याऊं म्याऊं कहती है ना, द कैट म्यूज मीन्स इनकम्प्लीट है, ठीक है. आगे आया था ना म्यूज भी. चलो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज, पिक आउट द वर्ब्स. एक्सरसाइज नंबर 3. पिक आउट द वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग पैसेज एंड से वेदर दे आर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और इनकम्प्लीट कंप्लीट वर्ब्स. तो यहाँ पे पैराग्राफ दिए हुए हैं, उसमें से हमको फाइंड आउट करना है, पिक आउट करना है, और वहाँ पे अंडरलाइन करके हम लिख देंगे वेदर दे आर
ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और इनकम्प्लीट में। नाउ लेट्स बिगिन। देन ही गेव मी अ पेल फुल ऑफ वॉटर टू ड्रिंक। इट वॉज कोल्ड एंड वेरी गुड एंड आई ड्रिंक इट ऑल। देन ही गेव मी सम हैट एंड सम कॉर्न एंड थिंकिंग ही हैड डन इट राइट ही वेंट अवे। सून आई बिगन टू शेक एंड ट्रेम्बल एंड टर्न्ड डेडली कोल्ड। माय लेग्स एक्ड, माय लॉन्स एक्ड एंड माय चेस्ट एक्ड एंड आई फेल्ट सोर ऑल ओवर। ओह हाउ आई विश्ड फॉर माय वॉर्म क्लोथ्स। अभी यहाँ पे इसमें देखिए, देन ही गेव है ना, गेव को अंडरलाइन कर देंगे, ये ट्रांजिटिव है। गेव मी अ पेल फुल ऑफ वॉटर, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया, ठीक है, इसलिए ये जो वर्ब है ना वो ट्रांजिटिव वर्ब है। मैंने शॉर्ट में ट्रान लिखा है, आप समझ लेना ट्रांजिटिव वर्ब है। अभी यहाँ पे देखिए, आई ड्रेंक इट ऑल। देन ही गेव मी सम हे एंड सम कॉर्न, तो ये भी है ट्रांजिटिव। नाउ आगे देखिए, यहाँ पे देखिए वेंट अवे, ये इंट्रांजिटिव है। यहाँ पे देखिए ही वेंट टू द मार्केट, टू द ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ अवे है, तो हम इंट्रांजिटिव डालेंगे। नाउ आई बिगन टू शेक एंड ट्रेम्बल, बिगन टू शेक एंड ट्रेम्बल, ये भी क्या है, एडवर्ब है, शेक होना, ट्रेम्बल होना, इसलिए इंट्रांजिटिव आया। नाउ सी, ट्रेम्बल भी इंट्रांजिटिव, टर्न्ड डेडली भी इंट्रांजिटिव, फिर एक्ट भी, ठीक है, एक्ट यानी दर्द होना, लेग्स में यानी पैरों में दर्द होना, ये भी इंट्रांजिटिव। नाउ सी, फेल्ट, आई फेल्ट सोर ऑल ओवर, फेल्ट इनकम्प्लीट आएगा। आई विश्ड फॉर माई वॉर्म क्लोथ्स, यहाँ पे वॉर्म क्लोथ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसलिए ट्रांजिटिव आएगा। नाउ सी सेकेंड पैराग्राफ, द न्यू बुक इज अ लर्नर सेंटर्ड सीरीज। इट इज डिजाइंड फॉर चिल्ड्रन स्टडिंग इंग्लिश फ्रॉम जूनियर लेवल टू सीनियर लेवल। इट इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट लर्निंग इज एन enjoyable experience. It attempts to aid children develop all the language skills. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इज, तो यहाँ पे incomplete आएगा, ठीक है, मैं आपको लिख के दे देती हूँ, ये incomplete आएगा, जहाँ पे इज, ये भी incomplete आएगा, यहाँ पे इज है, ठीक है। फिर आगे देखिए, ये भी इजे इनकम्प्लीट आएगा, जहाँ जहाँ इजे ना वो इनकम्प्लीट आएगा। फिर यहाँ पे देखिए, इट अटेम्प्ट्स टू एड चिल्ड्रन डेवलप ऑल द लैंग्वेज स्किल्स, इंट्रांजिटिव है, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ सी द लास्ट वन एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल ऑब्जेक्ट। अभी सूटेबल ऑब्जेक्ट को हम ध्यान में रख के अच्छे से फिल इन द ब्लैंक्स फिल करेंगे। आंचल गेव मी अ बुक, रविंद्रनाथ टैगोर रोट गीतांजलि। प्रियल रोट अ स्टोरी, ही प्रोमिस्ड टू गिव देम गिफ्ट्स। द लिटिल गर्ल इज स्टेयरिंग एट मी, द मेंबर्स ऑफ द क्लब रेज द इशू। अभी यहाँ पे देखिए, जैसे आपने देखा अच्छे से मैं कैसे डालती जा रही हूँ ऑब्जेक्ट। आंचल गेव मी अ बुक, तो आप अ गेव मी अ पेंसिल पेन कुछ भी लिख सकते हो, और यहाँ पे गीतांजलि ही लिखना, ऐसा नहीं है कि आप रामायण लिख दो, ठीक है। रविंद्रनाथ ने रामायण नहीं लिखी थी, गीतांजलि लिखी थी, तो ये थोड़ा आपको रिजनेबल लिखना है ना। प्रियल रोटे स्टोरी, तो आप इसमें लेटर लिख सकते हो। ही प्रोमिस टू गिव देम गिफ्ट, ठीक है, कोई भी आप ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, बट थोड़ा सा मैचेबल होना चाहिए। द मेम्बर्स ऑफ द क्लब रेज्ड इशू, and this pen is made for salt. The girl sat on the table. He was scared of a snake. ठीक है, scared यानी डरना, snake से डरता है, तो आप यहाँ पे crocodile भी लिख सकते हो, cockroach भी लिख सकते हो, cat लिख सकते हो, etc. कोई भी animal लिख सकते हो।
जिससे आप डरते हो। ठीक है, द बॉल हिट हिम ऑन हिज फेस। सो द चैप्टर इज ओवर, बाकी ये वाली एक्सरसाइज हम अभी देख लेते हैं। सो टिल देन बाय बाय।